सुनो देख बेटा, आज मैं तेरे को कहती हूँ कि अभी तेरी प्यार मोहब्बत करने की उम्र नहीं है। जब तू बहुत बड़ी हो जाएगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, तब तू अपने लेवल का लड़का ढूंढेगी। तब तेरे को जो लड़का पसंद आएगा, मैं तेरी शादी उसी से करवाऊंगी। ओके मम्मी, डन। एक बेटा, तेरी माँ को तेरे से एक ही रिक्वेस्ट है, बस तू शादी हिंदू लड़के से ही करना, वरना समझ रही है ना बेटा, दूसरे कास्ट में एडजस्ट करना कितना इम्पॉसिबल हो जाता है। बस मेरी प्यारी बेटी, टेंशन मत लो मम्मी आप, ऐसे भी इस पिंपल की दुकान से कोई शादी वादी नहीं करेगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। बेटा तू अभी 18 साल की होने वाली है, अब तुझे बॉयफ्रेंड कोई पसंद आएंगे तो इसलिए अभी से बोल के रखती हूँ। बेटा जिसको पसंद कर, बंगाली करना, समझ रही है तो कितना एडजस्टमेंट, पंजाबी मड़वारी बिहारी, हम बंगालीज है, हाई क्लास, समझती है ना बेटा, प्लीज। हाँ बंगाली, तुम बंगाली जिसको चूज करेंगे हम तेरा शादी उसी से करवाएंगे ना। मम्मी आपको नहीं लगता मेरा शादी का थिंकिंग्स एंड थॉट्स दिन पर दिन नैरो होते जा रहा है? गेट, आपकी मर्जी, डन। सोनो तुम तो हम लोग की इकलौती बेटी है ना, तुमको तो पता है ना हम एंड पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं, तो तुम्हारी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। धन्य हो प्रभुआ, अब आप ही ढूंढो, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट लड़का चूज करूँगी, तुम उससे मिलना जुलना, देखना बहुत अच्छा चूज करूँगी तुम्हारे लिए, ठीक है? तो शादी मेरी मर्जी से, ठीक है मेरी बेटी? नहीं नहीं, नहीं आप ही ढूंढो, नहीं ठीक है बाय, आप ढूंढो जिससे बोलोगे कर लूँगी। तो देखो तुम दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है, दोनों गोल मटोल गोल गोल। हाँ ठीक है, वो थोड़ा पीला है, हाँ जॉन्डिस हुई थी ना इसको कुछ दिन पहले, बट ठीक हो जाएगा, सो क्यूट ना, तुझे पसंद है ना, मुझे पता है मेरी पसंद इज इक्वल टू तेरी पसंद, मैं तेरी माँ हूँ ना बेटा। हाय, मिल गई तसल्ली, इमोजी जैसा दिखता है, थैंक यू।